चेहरे पे बहुत ज्यादा झाइया है, कील मुहा से काले दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे दानों की प्रॉब्लम है, चेहरा बहुत ज्यादा डल हो गया, धूल धूप प्रदूषण के कारण स्किन की बैंड बच गई है, स्किन बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है, साथ ही साथ कम उम्र में ही चेहरे पे बुढ़ापा नजर आ रहा है, स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है। आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है, महंगे से महंगे प्रोडक्ट ट्राई कर लिए पर आपको अपनी स्किन में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए। वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज की वीडियो हाई रिक्वेस्ट वीडियो है। मुझे काफी टाइम से कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नजर आ रही है, स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, ग्लो नहीं कर रही है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, चेहरे पे बहुत ही ज्यादा रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नजर आ रही है, उम्र के ही पहले हम बूढ़े नजर आ रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा विटामिन सी का फेस पैक लेके आई हूँ जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये आपके चेहरे के रंग को साफ करेगा, हर प्रकार के दाग धब्बों को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन लूज हो गई उसे टाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपकी स्किन दिन दिन काफी ज्यादा गोरी बेदाग शीशे की तरह चमकदार लगेगी। आपके स्किन के कलर को ये 2-3 शेड फेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। स्किन काफी ज्यादा क्लीन क्लियर ब्राइट यूथफुल यंग लगेगी, एक नेचुरल सा आपके फेस पे ग्लो नजर आएगा, आप अपनी उम्र से छोटे नजर आओगे। किस तरह से यूज करना है, सही तरीका क्या है, कब कब यूज करना है, सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। आप वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीन बाउल लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करीबन 1 चम्मच जितना चावल का आटा यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एकदम महीन चावल का आटा यूज कर रही हूँ, घर का बना चावल का आटा है। चावल के आटे में भरपूर मात्रा में विटामिन ए ई सी होता है जो हमारे स्किन के रंग को फेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट एंटी एजिंग का ये काम करता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एल्फ गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर यूज कर रही हूँ। हर कोई जानता है कि ऑरेंज पील पाउडर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे एल्फ गुडनेस का यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, अफोर्डेबल है, 100% प्योर है, केमिकल फ्री है, प्रेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है, नो एनिमल टेस्टिंग है, इसलिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। स्किन के लिए और हेयर के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। अगर आप इसे बाय करना चाहोगे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे बाय कर सकते हो। अगर आप घर पे ऑरेंज पील पाउडर बनाना चाहते हो तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करीबन 1 बड़ा चम्मच जितना ऑरेंज पील पाउडर यूज कर रही हूँ। विटामिन सी के जब हम प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आप कुछ इस तरह से फेस पैक में इसे यूज कर सकते हो जो हमारे स्किन में 4 चांद लगाने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं पे एल्फ गुडनेस की अंबा हल्दी यूज कर रही हूँ जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने चुटकी भर हल्दी ली है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू यूज कर रही हूँ। आलू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को टाइट करता है, लाइट ब्राइट बनाता है, दाग धब्बों को दूर करता है, पिगमेंटेशन को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, चेहरे पे जितना भी कालापन है उसे दूर करता है। तो यहाँ पे करीबन मैं 2 बड़े चम्मच जितना आलू का रस यूज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कच्चा दूध यूज कर रही हूँ, करीबन 2-3 चम्मच जितना। कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग में भी वर्क करता है, स्किन के कलर को फेयर करने में भी हेल्प करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, ये सारी चीजें हमारी स्किन में काफी अच्छा वर्क करती हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध भी करीबन 2-3 चम्मच जितना लिया है। सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो, ये आपका फेस पैक पूरी तरह से रेडी हो चुका है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसमें दूध की जगह गुलाब जल यूज़ कर सकते हो। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो इसमें मलाई या फिर दूध यूज़ कर सकते हैं, जिनकी नॉर्मल स्किन है वो इसमें दूध दही यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है, जो आपकी स्किन पर सूट होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ों को मिक्स कर लो, आपको अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। जब भी आप अपने फेस पर अप्लाई करो आपका चेहरा पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, उसके बाद फिर आप चाहो तो आप अपने फेस पर स्क्रब कर सकते हो, स्टीम ले सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करी हूँ। आप जब भी अपने फेस पे अप्लाई करें अपवर डायरेक्शन में अप्लाई करें, बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। फेस के साथ साथ आप अपने नेक पोर्शन को भी कवर करो जिससे आपके नेक में जितना भी कालापन है उसे दूर करें ये। तो फिलहाल आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लिया, अब आपको इसे 15-20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद फिर जो आलू का पल्प बचा था जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं
उसी की हेल्प से आपको अपना ये पैक रिमूव करना है। तो मैं उसी की हेल्प से ये पैक रिमूव करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो रिजल्ट। इसने स्किन में इंस्टेंटली ही वर्क किया है। जब आप इसे लगातार यूज़ करोगे तो आप खुद सोचो आपको खुद अपनी स्किन में कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो स्किन कितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट लग रही है। स्किन में इसने इंस्टेंटली ही वर्क किया है। तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, कितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट लग रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा कूलिंग सा इफेक्ट आ रहा है और स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, एकदम क्लियर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही है। तो ये वाला फेस पैक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है गाइस। आप इसे ट्राई करोगे ना तो आपके फेस पर जो गड्ढों की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होगी और स्किन काफ़ी ज़्यादा दिन दिन ग्लो करेगी। फ्लॉलेस ग्लास स्किन आप अचीव कर सकते हो अगर आप इसे लगातार यूज़ करोगे। तो आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। ऑल स्किन टाइप्स वाले, ऑल एज ग्रुप वाले यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।